हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने जनता को अनूठी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के प्रीमियम के लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही बाद में जो राशि बचेगी वो परिवार के मुखिया के खाते में डाली जाएगी। इस मौके पर मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आने वाले 15 लाभार्थियों को पफामा भी वितरित किया, जिससे वो अपने परिवार की जानकारी उसमें भरकर योजना का लाभ उठा सकेंगे। आज इससे आगे हम बढ़ करके एक योजना का लॉन्च कर रहे हैं और वो योजना जैसे विधानसभा में हमने घोषणा की थी कि हर गरीब परिवार को हम 6000 रुपया वार्षिक योजनाओं का लाभ ये हर वर्ष देंगे कि हम भी 6000 रुपया ऐसे छोटे किसानों को और साथ ही ऐसा हर गरीब व्यक्ति जिसकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक अर्थात 15,000 रुपया मासिक ये होगी उनको भी 6000 की योजनाओं का ये लाभ मिलेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि इन योजनाओं के जरिए गरीबों की जिंदगी कितना बेहतर होती है। पंचकुला से R9 TV के लिए तारा सिंह की रिपोर्ट।